हर वर्ष की तरह इस बार भी व्यापारी किसानों को धान के औने पौने दाम देकर लूट रहे हैं, जिस कारण किसान आर्थिक तौर पर काफी नुकसान उठा रहे हैं। जिला कुरुक्षेत्र में पिहोवा एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर हरियाणा में सबसे ज्यादा जीरी की पैदावार होती है, परंतु यहां के किसानों का दुर्भाग्य ही है कि उनको कभी सरकार द्वारा तय किया हुआ दाम नहीं मिलता। इसके अलावा व्यापारी किसानों फसल का सही समय पर खरीद नहीं करते, जिस कारण किसानों की जीरी कई कई दिन अनाज की मंडियों में पड़ी रहती है। इसलिए किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसके अलावा आवारा पशु भी किसानों की अनाज की मंडी में पड़ी हुई फसल को भी खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। जब इस समस्या को लेकर किसानों से बात की गई तो उन्होंने सरकार और व्यापारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के साथ हमेशा ही धोखा होता रहा है। हाँ, ये बताइए कि आपका नाम क्या और धान के बारे में बताइए, कैसे सही चाय पे बिक्री है या नहीं? मैं बलदेव सिंह मुकीमपुरा, हल्का पेहवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा की अनाज मंडी पेहवा से बोल रहा हूँ। जीरी के बारे में तो देखिए, सरकार ने जो सरकारी खरीद चालू की है उन्होंने कहा है कि 1 तारीख से चालू करेंगे 10वें महीने की, और मंडियों में जीरी की आवक शुरू हो गई है। 25% जीरी लगभग 30-35% 1 तारीख तक आ चुकी होगी, तो व्यापारी भी सरकारी खरीद का भरना पकड़ करके और जीरी में नमी बता करके इसको औने पौने दामों में लूटने का काम कर रहे हैं, और जिमीदार मजबूर होकर के कहीं धान को स्टॉक तो कर नहीं सकता तो मजबूर होकर के मंडियों में औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर है। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार को तो एक ही बात याद है, 75 पार 75 पार। ये पता नहीं किस मुद्दे पर 75 पार होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि किसानों की अनदेखी करके ये सरकार जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का दावा करके लोगों से वोट हथिया करके हरियाणा में सरकार बनाई, आज हरियाणा के कृषि मंत्री उन प्रदर्शनों को भूल गए जो कमीज निकाल करके सड़कों पर उतरा करते थे, आज वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट धरी की धरी रह गई। अगर वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बीजेपी लागू करने का काम करती तो जिमीदार को ये धान लूटने से बच जाता और उन्हें पुणे दामों में फसल ना बेचनी पड़ती। बलविंदर सिंह मेरा नाम है जी, बटेड़ी पिंड दुआ जी। ये बताइए कि आपकी जीरी बिक्री है सही समय? बिल्कुल नहीं जी बिक्री, सानू घर 3-3 4-4 दिन हो गए जी इतने बैठे, इन्ना बुरा हाल है, इन्ने परेशान है, एक वारा डंगर फिर दे इन्हों तो परेशान है जी। सरकार कोई सुध नहीं ले रही, व्यापारी कोई पूछ नहीं रहा जी, और 4-4 दिन तो इतने अं बैठे हैं जी, की करिए अभी, साढ़े की उत्ते बदल होया, बारिश का सानू डर, खुले च जीरी पी है, साढ़े कोई हल नहीं है और सरकार साड़ी कोई भी गल नहीं सुन रही। ये इसका जो रेट है सही लग रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं जी, जो तय रेट है तो 150-150 रुपये घट, 100-150 रुपये घट व्यापारी रेट ला रहे हैं, की करिए जी, साढ़े हाथ में की है, असं की कर सकते हैं जी। आप क्या कहना चाहोगे, व्यापारी आपको लूट रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, जी भर के लूट रहे हैं जी, साड़ी बेबसी है, साढ़े हाथ में की है, रेट सरकार ने लाना, इन्ह ने लाना, असं कुछ नहीं कर सकते, साड़ी मजबूरी है जी, पर अभी 4-4 दिन हो गए इतने बैठे हैं जी, बहुत परेशान है, तो सरकार तो साड़ी बिल्कुल उन्होंने कहते जू नहीं सर करी जी।